मोहित शर्मा, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आटे पे जीएसटी लग गई है, दूध पे लग गई, और भी कई ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे जीएसटी लग गई है। हाँ तो यही तो मोदी जी के अच्छे दिन है। अरे कितने दिन खाएंगे रोटी पर घी लगा के, अब जीएसटी लगा कर भी खाइए। तो मोदी जी ने बहुत दिन खिला दिया आपको रोटी पर घी लगा के, अब जीएसटी वाली रोटी का भी स्वाद लेकर देख लीजिए। इस देश के अंदर हर चीज के ऊपर जीएसटी लगाने का काम नरेंद्र मोदी और सरकार ने किया है। इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं, इन्होंने दही पर 5% की जीएसटी लगा दी। अब मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर दही पर जीएसटी लगाने से सबसे ज्यादा नुकसान अंधभक्तों को है। अब क्या है, दही पर जीएसटी लग गया है 5% की जीएसटी, तो अब दही महंगा हो गया है। तो कृपया कर अब आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर रायता फैलाना बंद कर दें, क्योंकि दही महंगा हो गया है, दही पे 5% की जीएसटी लग गई है, तो बेचारे अंधभक्तों का भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। और कॉपी के ऊपर, शॉर्पनर के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर, कलर के ऊपर, इत्यादि के ऊपर 18% की जीएसटी, मतलब कॉपी, ड्राइंग के ऊपर, कलम के ऊपर, शॉर्पनर के ऊपर 18% की जीएसटी लगाई है, क्योंकि ना खुद पढ़ा था और ना दूसरे को पढ़ने दूंगा, ना मैं खुद, मेरा विकास हुआ ना दूसरे का करने दूंगा। मतलब ये है कि अपनी डिग्री आज तक दिखा नहीं पाया, ठीक है, अपनी डिग्री दिखा नहीं पाया तो दूसरे को पढ़ने नहीं दूंगा, ताकि ना मेरे पास डिग्री है ना दूसरे के पास डिग्री हो। तो इस देश के अंदर इन लोगों ने स्थिति इतनी खराब कर दी है कि देश के अंदर अगर ये नौजवान, यही नौजवान अगर कावड़ लेने जाएं तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है, और यही नौजवान अगर रोजगार मांगने जाएं तो लठ वर्षा होती है इनके ऊपर। तो आप सीधे तौर पर समझ जाइए, सरकार सिर्फ आपको धर्म की आड़ में आपसे आपकी मूलभूत सुविधाएं छीनना चाहती है, आपसे रोजगार छीनना चाहती है, आपके रोटी पर, आपके तमाम चीजों के ऊपर, आपकी कलम कॉपी के ऊपर, शॉर्पनर के ऊपर जीएसटी लगा के आपको पढ़ने से रोकना चाहती है। जीएसटी की बात कर रहे हैं ना, जीएसटी केवल ब्रांडों पर लगी है, नॉन ब्रांडेड नहीं, केवल ब्रांडेड पे। आप एक बात मुझे बताइए, ब्रांडेड पे, अब आप ये मुझे बताइए कि शॉपनर आप ब्रांडेड देखती हैं कि नॉन ब्रांडेड देखती हैं? दही ब्रांडेड होती है, नॉन ब्रांडेड होती है, ये बताइए, सवाल का जवाब दीजिए मुझे। तो ब्रांड है, तो आप एक बात मुझे बताइए, अमूल एक ब्रांड है, तो अमूल के अलावा दही बता, दूध बता दीजिए कौन सा आता है, दही बता दीजिए कौन सी आती है। घर का जो घर घर बेचते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगी है। किस पे? जो घर घर जाके बेचते हैं। आपके घर पे दही बेचने आता है, इनका दिमाग में ना दही फैल गई है, इनके दिमाग में रायता फैल चुका है, ये देख लीजिए। आज तक जितने भी तमाम व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मैडम का कहना है कि घर पे दही बेचने आते हैं, आपके घर पे कौन दही बेचने आता है? दूध आते हैं ना देने वाले, दूध देने जो घर आते हैं डेयरी से, उस पर जीएसटी नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट, आज एक बात आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा दूध की सप्लाई होती है अमूल की, ठीक है, अगर दूध घर घर तक आता, सरकार भैंस रखने देती है? ये बताइए आप मुझे, सरकार घरों के अंदर भैंस रखने देती है जो घर तक दूध आएगा? तो आप सरकार की पॉलिसी नहीं समझती है। आप अगर दिल्ली जैसी राजधानी में चली जाएंगी तो भैंस रखनी आपको अलाउ नहीं है। आप अगर भैंस रखेंगी तो आपका मकान के साथ साथ आपके पशु को भी ले जाया जाएगा, मतलब अगर पशु सड़क पे घूमे तो ठीक है, गाड़ी के नीचे, ट्रेन के नीचे आके गाय मर जाए, कट के मर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप पशु को पाल के घर में उससे दूध निकाल लेंगे तो सरकार को आपत्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो आप एक बात समझिए, घर के अंदर, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई जैसी स्टेट हो, जो सिटियां हैं वहां पर सरकार जो है सीधे तौर पर, आप ये देखिए, पशुओं को पालने नहीं देती है, पशुपालन करने नहीं देती है। तो जब पशुपालन होगा नहीं तो घर तक दूध कैसे पहुंचेगा? तो सीधी सी बात है, पैकेट का ही दूध पहुंचेगा, और पैकेट वाले दूध पे तो आपने जीएसटी लगा दी है। दूसरी बात ये कि आप एक बात मुझे बताइए कि आटा जो है, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारा तबका ऐसा है जिसे राशन का गेहूं मिलता ही नहीं है, जो हकीकत में गरीब है। इस देश के अंदर एक बात कही जाती है कि इस देश के अंदर आप एक सवाल कर लीजिए, सरकार कहती है कि हम सारी सुविधाएं गरीब को दे रहे हैं, सरकार से कहो कि भैया आप क्या गेहूं किसको दे रहे हैं, चना किसे दे रहे हैं, चावल किसे दे रहे हैं, तो सरकार कहती है हम गरीब को दे रहे हैं। पैसे बांटने की बात आती है, सरकार कहती है हम गरीब को देते हैं, आज तक कोई जाकर उस गरीब से नहीं मिल पाया। क्या इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गरीब मुकेश अंबानी और टाटा बिरला है? सारी सुविधाएं तो सरकार उन्हीं को देती है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी जा जाकर, पूरे विश्व में जा जाकर, ये लोग उद्योगपतियों के लिए व्यापार मांगते हैं, इस देश के लिए कुछ नहीं सोचते। देश के लिए अगर सोच रहे होते तो देश तरक्की कर रहा होता। आप एक बात मुझे बताइए, रोटी के ऊपर जीएसटी लगा के गरीब की थाली से आपने रोटी छीनने का काम किया है। एक बात आप मुझे बताइए, आटा, आटा रोटी एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति खाता है, इस देश के अंदर आपने रोटी के ऊपर जीएसटी लगा दी। अब आप मुझे बताइए कि आटा ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कौन सा होता है, ये बता दीजिए आप मुझे। जो चक्की पे मिलता है वो नॉन ब्रांडेड होता है, और जो आशीर्वाद आटा पैकेट में मिलता है वो ब्रांडेड होता है। आप एक सवाल का, आपको नहीं पता इतना छोटा, एक सवाल का आप मुझे, मेरे को तो पता है ये बात का फर्क, आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा। एक बात आप मुझे बताइए, आज यहाँ पर
जितनी ज्यादा दिल्ली जैसी राजधानी में आप रहती हैं, मुंबई जैसी सिटी में रहती हैं, आपको कहाँ कहाँ चक्की देखने को मिलती है। चक्की का स्थान बहुत कम हो गया है, ठीक है ना, इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। चक्की आपको देखने को नहीं मिलती है, चक्कियां मिलती हैं तो गांव ग्राम के अंदर देखने को मिलती हैं, शहर के अंदर सिटी के अंदर चक्कियां देखने को नहीं मिलती हैं। तो आपके दिमाग में जो रायता फैला हुआ है ना, और दूसरी बात, आप ये जो तमाम चीजों की बात कर रही हैं, शॉर्पनर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कैसे होता है? चक्कू से पेंसिल छीलें या ब्लेड लेके जाएं शेविंग करने वाला पेंसिल छीलने के लिए? बताइए, एक छोटे बच्चे को जो नर्सरी और केजी में पढ़ रहा है, उसको शॉर्पनर जो मिलता है, शॉर्पनर जिससे वो पेंसिल छीलता है, अब उसको क्या चक्कू दें कि ले बेटा नॉन ब्रांडेड छील पेंसिल? ये काम करवाए हैं सरकार चलाने के लिए टैक्स की तो जरूरत है ना पैसे। दूसरी बात ये बताइए, कॉपी आप बहुत ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड चीज की बात करिए, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, जिन चीजों पर जीएसटी लगाई है, कॉपी, कॉपी के ऊपर जीएसटी लगी है, 18% की जीएसटी लगी है कॉपी किताब के ऊपर, कॉपी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कौन सी होती है ये बता दीजिए, जवाब दीजिए मुझे सवाल का, आपके पास जवाब नहीं है। कफन ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कौन सा होता है जरा ये बता दीजिए मुझे, सवाल का जवाब दीजिए ना आप मुझे, आपके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि आपका सवाल ही गलत है। मोहित जी, जब तक सरकार खुद कह रही है कि कल आपने देखा नहीं मीडिया में लगातार चल रहा था कि केवल ब्रांडेड चीजों पे जीएसटी है, नॉन ब्रांडेड पे नहीं है। मीडिया का पेट तो तलवे चाटने से भर जाता है, लेकिन इस देश की जनता का पेट रोटी खाने से भरता है। वही एक बार फिर अग्निवीर योजना में जाति पूछी जा रही है, उसमें विवाद पैदा हो गया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमसे पूछा कि कोई हमारी जाति है इंडियन, हम मैं गड़े गर्व के साथ छाती चौड़ी करके कहता हूँ कि मैं इस भारत देश का निवासी हूँ। मुझसे आके पूछे मेरी जाति क्या है, मेरा कास्ट क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति इंडियन है, मेरा धर्म मेरे देश का तिरंगा है, और मेरे लिए मेरी शान की बात, मेरे गौरव की बात मेरे देश के जवान है, और मेरे लिए मेरे सर्व सम्मान की बात मेरे देश के किसान है जो पेट भर अनाज हमें खिलाते हैं। तो मेरे लिए मेरी जाति, मेरा धर्म और मेरा मजहब, मेरे देश का तिरंगा, मेरे देश के जवान और मेरे देश का किसान है, ये मेरे लिए सबसे बड़े जाति की बात है, ठीक है ना। और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि मैं भारत देश का निवासी हूँ, इससे बड़ी कोई आप लेकिन अग्निपथ जो योजना में और जाति पूछी जा रही है, अरे विवाद खड़ा हो गया। अग्निपथ आप योजना की बात कर रहे हैं, जाति की आप बात कर रहे हैं, इनसे ये तो पूछ लीजिए जरा, आप जाति जो पूछने का काम कर रहे हैं, आपने जो देश के सेना को चौकीदार बनाया है, अब ये जो 4 साल के लिए चौकीदार बनाने का काम किया है, कम से कम इन्हें चौकीदार तो बना रहे दो बिचारों को, अब चौकीदार की नौकरी भी इनसे छीनोगे, जात पात में उलझाकर और पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर कितना इस मुल्क को तोड़ोगे, हिंदू मुसलमान में लड़ाकर इस मुल्क को आपने तोड़ने की कोशिश कर दी, अब जात पात में लड़ा रहे हो, नहीं जाति पहले पूछा जा रहा है। पहले एक सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए, पहले तो आप हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते थे, अब जात पात के नाम पर लड़ने लग गए, जब आपको दिखा कि आपके योगी जी तो यूसुफ भाई की गाड़ी में घूम रहे हैं, है नहीं है, योगी जी तो यूसुफ भाई की गाड़ी में घूम रहे हैं, तो मुसलमानों को गाली कैसे दें? तो अब मुसलमानों को गाली ना देने के बजाय अब आप आपस में जाते। अब आपने देखा नहीं कल मॉल का शुद्धिकरण पहुँचे थे बाबा, कल मॉल का शुद्धिकरण पहुँचे थे बाबा, शुद्धिकरण करने के लिए वो अयोध्या के बाबा पहुँच गए थे लुलु मॉल। भैया ये तो आप देख लीजिए, इस देश के अंदर हिंदू तो लोगों का इतना जाग रहा है कि हिंदुओं को टोपी लगा के नमाज पढ़नी पड़ रही है। मैं तो अपने धर्म से बहुत खुश हूँ, मैं ईश्वर की महादेव की आराधना करता हूँ, मैं उससे बेहद खुश हूँ, मेरे को अपने धर्म में बहुत खुशी है। ये लोग जो धर्म के नाम पर दंगे और फसाद फैलाने का प्रयास करते हैं, ये प्री प्लान लोग होते हैं, पेड लोग होते हैं। और अभी अयोध्या वाले जब पहुंच रहे हैं लुलु मॉल, तब इनका हिंदू तो नहीं जाग रहा, और अभी अगर इस देश के अंदर इनको टीआरपी हासिल करनी हो, टीआरपी पर टोरनी हो, ठीक है ना, तो ये बहुत सारे बयान दे देते हैं हिंदू मुसलमान कराने के लिए, ये कोई जल समाधि ले लेता है। अब वो जल समाधि वाला कहां गया? वही बाबा गए थे कल, वही बाबा गए थे जो जल समाधि ले रहे थे, ये जल समाधि वाले बाबा अब नहीं लेंगे जल समाधि, शुद्धिकरण करने गए थे वहां नमाज हो गई थी ना, पहले तो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, अब यूसुफ भाई के मॉल का जब वो जल शुद्धिकरण कर रहे हैं, तब नहीं इनको जाग रहा इनका हिंदुत्व, नमाज पढ़ी गई है तो शुद्धिकरण करने गए। मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, इस देश के अंदर नमाज पढ़ने से, मंदिर में पूजा करने से, महादेव की आराधना करने से, चर्च में कैंडल जलाने से, और गुरु गोविंद सिंह जी के आगे बैठने से, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने से, ना तो कोई जगह अपवित्र होती थी, ना कभी अपवित्र होगी। ये ईश्वर को मारने के तरीके हैं, कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीजस और वाहेगुरु को मानता है, हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। आप अगर मंदिर के आगे हाथ जोड़ते हैं तो ये आपके कर्म में लिखा जाता है, आप मस्जिद के आगे सजदा करते हैं तो ये आपके कर्म में लिखा जाता है, आप गुरु गोविंद सिंह जी के आगे, गुरु ग्रंथ साहिब के आगे अगर आप अपना सर झुकाते हैं, सर पे कपड़ा बांध के आप अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो आपके कर्म में लिखा जाता है, आप चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं तो वो आपके कर्म में लिखा जाता है। लोग अपने धर्म को अलग अलग तरीके से मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जितने धर्म अलग अलग तरीकों से अपने धर्म को मानते हैं उतने ही तरीकों का धर्म हो, नहीं,
ईश्वर एक है, धर्म को मानने के तरीके अलग अलग हैं। कहीं पे ईश्वर को घंटी बजा के बुलाया जाता है तो कहीं पे ईश्वर को लाउड स्पीकर में अजान लगा के बुलाया जाता है, तो कहीं पे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के, तो कहीं पे मोमबत्ती जलाकर ईश्वर को बुलाया जाता है। लेकिन इस सृष्टि का मालिक एक है, रचिता एक है। तो लोगों को बता दूं और इस देश के नेताओं को एक बात बता दूं कि जो आप तमाम चीजों के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं, देश के सैनिकों को जो आप चौकीदार बना रहे हैं, ये एक दिन आपका जो ये पाप का घड़ा है अब ये भर चुका है। तो जनता को हिंदू मुसलमान में उलझाना बंद करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।